नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़े अपडेट्स आ रहे हैं अजरबैजान वर्सेस अर्मेनिया के युद्ध को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि अर्मेनिया ने अजरबैजान के किलर ड्रोन्स को मार गिराया है अपने सैम सिस्टम से। और इसके अलावा अजरबैजान की ओर से भाड़े के पाकिस्तानी सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या है पूरे अपडेट, कितने ड्रोन्स अर्मेनिया ने मार गिराए हैं, साथ ही पाकिस्तानी सैनिकों की किस तरह से फजीहत हो रही है पूरे विश्व में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे एक पोल में पूछा था कि क्या हमें अजरबैजान वर्सेस अर्मेनिया के युद्ध के अपडेट्स को कवर करना चाहिए, तो आप में से 90% लोगों ने कहा था कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो उसी को लेकर मैं अर्मेनिया और अजरबैजान के अपडेट्स को भी कवर कर रहा हूं। तो दोस्तों, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच जारी भीषण युद्ध में दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर मिसाइलों, फाइटर जेट, ड्रोन और तोपों से हमला कर रहे हैं। इसी बीच अर्मेनिया ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अजरबैजान के 4 घातक किलर ड्रोन्स को मार गिराया है। दोनों देशों के बीच विवादित नारगोनो काराबाख को लेकर लगातार 5वें दिन खूनी जंग जारी है। अर्मेनिया ने दावा किया है कि उसने अजरबैजान के 4 किलर ड्रोन और सैन्य विमानों को भी मार गिराया है। दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा कि अर्मेनिया ने दावा किया था कि उसके एक सुखोई विमान को तुर्की के F-16 ने नष्ट कर दिया था। अर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम फोर्सेज ने अजरबैजान के एक सैन्य विमान और एक ड्रोन विमान को विवादित नागोनो काराबाख इलाके में मार गिराया है। उधर अजरबैजान ने दावा किया है कि उसकी तोपों ने रात भर अर्मेनिया के सैनिकों पर गोले बरसाए हैं और भारी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, नागोनो काराबाख में रात भर बमबारी की आवाजें आती रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि अजरबैजान के ड्रोन विमानों ने शहर पर 2 जगह बम गिराए हैं। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि अर्मेनिया की सेना ने टेरटर शहर में आम नागरिकों पर गोले बरसाए और एक ट्रेन स्टेशन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में अब तक दोनों ही पक्षों के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इसी बीच अर्मेनियन अधिकारियों ने रात भर लड़ाई के बाद कहा कि अग्रिम मोर्चों पर बहुत ज्यादा तनाव है और दोनों ही ओर से तोपें गजर रही हैं लगातार। दोस्तों, अब बात आती है पाकिस्तान के रोल की। तो पाकिस्तान बिना बात के इस जंग में अपनी नाक घुसाने में लगा हुआ है। नारगोनो काराबाग क्षेत्र को लेकर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में पाकिस्तान के भी कूदने की चर्चा है। अर्मेनिया के उप विदेश मंत्री एविट एडोंस ने कहा कि जमीनी युद्ध में अजरबैजान में सक्रिय भाड़े के सैनिकों के रूप में पाकिस्तानी लड़ाकों की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। एडोंस ने एक भारतीय समाचार चैनल के साथ राजधानी येरेवन से बात करते हुए इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह कहा है, ये हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी क्योंकि 1990 के दशक में भी नारगोनो काराबाग में युद्ध छिड़ने के समय वहां पाकिस्तानी सैनिक मौजूद थे। दोस्तों, दरअसल दो नागरिकों के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता के आधार पर एक अर्मेनियाई समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजरबैजान की ओर से पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे हैं। वहीं एडोंस ने जिहादियों को अजरबैजान भेजने के लिए तुर्की की भी खिंचाई की है और आरोप लगाया है कि हम पर थोपा गया यह युद्ध तुर्की के साथ संयुक्त रूप से सुनियोजित है। बता दें कि यह युद्ध 4,400 वर्ग किलोमीटर के नारगोनो काराबाख क्षेत्र पर कब्जे को लेकर हो रहा है। अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना हिस्सा मानता है लेकिन इस पर अर्मेनिया के जातीय गुटों का राज है। युद्ध में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस बातचीत के आधार पर पाकिस्तान की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है उसमें से एक शख्स कह रहा है कि चिंता मत करो, 7-8 गांवों को आजाद करा दिया गया है। वहीं दूसरा शख्स कहता है, हां मुझे पता है, मैंने इंस्टाग्राम पर देखा है कि फिजूली अकदम को कब्जे में से मुक्त कराया गया है। ये पूछे जाने पर कि क्या गोलीबारी दूसरे नागरिक क्षेत्र में हो रही है, पहला शख्स कहता है कि उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है और उन्हें अकदम की ओर ले गए हैं। आर्मेनिया के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि देश संघर्ष विराम पर चर्चा को तैयार है। 1994 और 95 के समझौते के आधार पर संघर्ष विराम की व्यवस्था स्थापित करने को मिन्स्क समूह, रूस, फ्रांस और अमेरिका के अधिकारी जो इसमें होते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपनी एक इंटरनेशनल बेइज्जती यहां पे करवा रहा है और प्रोफेशनल सैनिक भी नहीं, मुजाहिदीनों को भेजा गया है यहां पे अजरबैजान की ओर से युद्ध लड़ने के लिए। दोस्तों, मैं आपको लगातार अजरबैजान वर्सेस अर्मेनिया के युद्ध की अपडेट्स दे रहा हूं। और इसी बीच अगर आपको ये एक वीडियो इस पे चाहिए कि कौन से देश अजरबैजान के साथ खड़े हैं और कौन से देश अर्मेनिया के साथ खड़े हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इस युद्ध में भारत का स्टैंड क्या है, किसके साथ भारत खड़ा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा। कमेंट करके बताइए कि क्या मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इसराइल जो कि तुर्की और पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन माना जाता है, वो कैसे
तुर्की और पाकिस्तान के साथ आ गया है इस जंग में, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए और क्या मुझे इन अपडेट्स को लगातार कवर करना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।